हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसका नाम है आकांक्षा योजना और इस योजना के द्वारा या इस योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है सरकार है ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जे नीट एंड क्लेट ये एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग्स फ्री प्रोवाइड कर रही है फ्री कोचिंग की सुविधा यहाँ पर आपको इस योजना के द्वारा दी जा रही है तो अगर आप भी नीट जेई या फिर क्लेट तीनों में से कोई भी अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप इस योजना के बारे में समझ लीजिए हो सकता है आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपके लिए ये जो एग्ज कोचिंग्स हैं ये बिल्कुल फ्री पड़ जाए क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे कहीं कोचिंग जब आप लगाते हैं इन एग्जामिनेशन के लिए तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है जेईई के लिए नीट के लिए एंड प्लेट के लिए पहले तो आपको आपकी कोचिंग में ही खर्चा करना होता है उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो अलग से आपका जो पढ़ाई का खर्चा है वो तो होता ही है तो क्यों ना कोचिंग का खर्चा अगर आपका बच जाता है और आपको अच्छे खासे जो इंस्टीट्यूट या हम कहें कोचिंग सेंटर्स जो रहते हैं वेस्ट सेंटर को, कोचिंग सेंटर से अगर आप ये कोर्स करना ये एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं कोचिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप आकांक्षा योजना के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए क्योंकि इसमें आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है साथ में रहने की भी व्यवस्था इसमें आपको दी जाएगी आवास की जो सुविधा है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी और ये कोचिंग आपको क्लास इलेवेंथ से लेकर के इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ये दोनों ही साल में आपको दी जाएगी सपोज अगर आप 11th क्लास में हैं और आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और आपको इस योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर दी जाती है तो इलेवेंथ क्लास में तो आप कोचिंग फ्री लेंगे ही साथ में आप ट्वेल्थ क्लास में भी जेईई नीट -E 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 या फिर क्लेट तीनों में से किसी की भी आप लेना चाहते हैं फ्री लेंगे यानी दो साल आपको बिल्कुल फ्री कोचिंग यहाँ पर

सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ ये अलग अलग स्टेट में मैंने आपको बताया सभी स्टेट्स में चल रही है इस तरह की योजना फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है लेकिन अभी हम जिस योजना के बारे में या जिस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आप चाहें तो अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये है मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश के द्वारा आकांक्षा योजना जो चलाई जा रही है चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजना के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं जो कि क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में अध्ययनरत हैं यानी स्टडी कर रहे हैं स्टडी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इलेवंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे होंगे उनको संभाग मुख्यालयों जैसे कि जो एम के जो संभाग हैं यहाँ भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर में जो भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है अच्छे कोचिंग है वहां पर आपको राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जिसमें कि आपकी ये तीनों ही नेशनल ए, ए, एंट्रेंस टेस्ट है तीनों ही नेशनल लेवल के हैं जेई नीट एंड क्लेट ओके एंड एम्स तो इनकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये योजना चलाई गई है जनजातीय वर्ग के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रथम वर्ष 2018-19 में कक्षा ग्यारहवीं में अध्ययन के साथ साथ प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर इंजीनियरिंग के लिए 100, मेडिकल के लिए 50 और क्लेट के लिए 50 टोटल 200 विद्यार्थियों को कोचिंग दी गई थी एटीन नाइनटीन में अब जितनी भी आगे जो वर्ष आते रहेंगे उसमें अब हां जैसे कि मैंने आपको बताया इलेवेंथ क्लास में अगर आप हैं और आपने कोचिंग ली है तो आप सोचेंगे कि एक ही साल कोचिंग ली है तो नहीं इलेवंथ के साथ ही आपको ट्वेल्थ में भी फिर उक्त बैच को निरंतर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों ही क्लास में आप कोचिंग ले सकेंगे निर्धारित योग्यता आप देखेंगे सबसे पहले तो जनजातीय वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये योजना है ठीक है इसके बाद यहाँ देखेंगे ये इसकी ऑफिशियल साइट है इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी मैं आपको साइट पर लेकर चलूंगी वहाँ पर आपको लिंक बताऊँगी आप उस तरह से लिंक पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे ये एमपी स्टेट की योजना है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आपको जरूरी है अनुसूचित जनजाति का आप सदस्य आप जो कैंडिडेट हैं या जो स्टूडेंट हैं उनके जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं या स्वयं अगर हम देखें तो जो फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर है वो छः लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये क्राइटेरिया काफ़ी क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि ढाई लाख के आसपास फैमिली एनुअल इनकम रख दी जाती है जिसमें कि बहुत कम स्टूडेंट्स आ पाते हैं लेकिन छः लाख में यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को कम्प्लीट uh, करेंगे इस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे विद्यार्थी द्वारा कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करके इलेवंथ में आपने एडमिशन लिया हो या इलेवेंथ पास करके आपने ट्वेल्थ में इलेवंथ की पात्रता यहां पर रखी गई है बारहवीं में सॉरी ग्यारहवीं में प्रवेश लेने की पात्रता अगर आपके पास है तो आप इसमें कर सकते हैं मीन्स इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट के लिए ये है लेकिन इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों ही साल फिर आपको ये कोचिंग दी जाएगी कोचिंग संस्थान अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑनलाइन करना है ऑफिसियल साइट से अभी हमने ये लिंक देखी ठीक है सिलेक्शन आपका कैसे होगा तो जिस कोचिंग से आप करना चाहते हैं या जिस कोचिंग के लिए आप चाहेंगे वहां पर जो कोचिंग का आजकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा आपको देना होगा उसमें आपकी जो मार्किंग रहेगी उसके बेस पर जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी सुविधा आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये कोचिंग आपको दोनों ही साल में प्रोवाइड कराई जाएगी आवश्यक सर तो एक तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए आधार नंबर से लिंक आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और विद्यार्थी दसवीं का परीक्षा परिणाम मिनिमम मिनिमम से आपने पास किया हो minimum. तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इट मीन कि ट्वेल्थ के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे टेंथ पास आउट एंड इलेवेंथ में जो एडमिशन ले लिए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और उनको इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये दो क्लासेस में दोनों ही ईयर में कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ठीक है तो ये यहाँ पर हो गया अब इसमें आप देखेंगे शिक्षण सेक्षन, शैक्षणिक सुविधा दी गई है चयन प्रक्रिया हमने देख ही लिया किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है चलिए हम इसका लिंक देखेंगे देखिए अभी यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ ट्रिबल डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आकांक्षा योजना वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन लिंक अब इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा इसमें आपको क्लिक करना है आकांक्षा योजना के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और आवेदन की जो रसीद है वो आपको यहाँ पर रिसिप्ट मिलेगी तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आकांक्षा योजना आवेदन के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा जिसमें कि आपको ये टिक करना होता है आप सभी जानते हैं आई एग्री तो आई एग्री करके उसके बाद ये फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा इसको आपको फिल करके जस्ट सेंड करना है दैट सेट अब इसमें क्या है कि आपको एम पी टी ए एस सी प्रोफाइल आई बनानी होती है ठीक है अगर आपके पास है तो आप यस पर टिक करेंगे उसके बाद आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाएगा आप फिल कर देंगे अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए पहले प्रोफाइल आईडी बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो आप प्रोफाइल आईडी अपनी बनाएंगे उसके बाद में फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ओके सो ये आकांक्षा योजना अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फ्री अगर आप ये कोचिंग लेना चाहते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम हैं नेशनल लेवल के हैं काफ़ी खर्चा इनमें आता है अगर आप इसके जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर इसको अप्लाई कर दीजिए अभी एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी है आपके लिए दो साल तक कोचिंग फ्री दी जाएगी सरकार के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन well के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए थैंक यू